हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता कीर्ति। आप सब कैसे हैं बताइए। आई होप कि आप सब मस्त हैं। मैं भी ठीक हूँ, मतलब ठीक ठाक हूँ गाइस, क्योंकि सबको पता है मतलब टेम्परेचर, मतलब समर का जो हालत है, इतना गर्मी है, कैसे मतलब ठीक रहूँगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इवन मैं अभी जो आई हूँ, मतलब जस्ट मैंने कॉम्बिंग किया है और लिप्स में एक लिप बाम लगा लिया है और बस आ गई हूँ ड्रेस चेंज करके। मतलब पाउडर तक मैंने पफ नहीं किया, इतना ज़्यादा गर्मी है। आप लोगों की वहाँ गर्मी कैसा है ज़रूर बताना। और सबसे अच्छी बात है, सुबह को थोड़ा थोड़ा सा, मतलब सुबह नहीं, क्या बोलो, 12-1 बजे के टाइम, दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा बारिश हुई है, तो आज का वेदर थोड़ा सा फिर भी बेटर है। तो गर्मी की वजह से कुछ भी मन नहीं कर रहा है, व्लॉग भी नहीं डाल रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब ठंडा पानी पीते जाओ, आइसक्रीम खाते जाओ, ऐसा ही लग रहा है। और ठंडा पानी पी पी के मैंने ऐसा किया है, अब मुझे गले में दर्द हो रहा है, दांत में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि इस पता है मेरा 4 जो दांत है 10 साल से निकल रहा है, अभी भी निकल ही रहा है, निकला ही नहीं है, आधा आधा करके निकल के ऐसा रह गया है। तो मतलब वो वाला दांत में पेन हो रहा है। तो गाइस, आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरा एक ह्यूज सा कॉस्मेटिक्स का बॉक्स आया है, मतलब मैंने ऑर्डर किया है, गिफ्ट के हिसाब से नहीं आया, मैंने परचेस किया है, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बैठी थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या है वो अगर आप लोगों को देखना है तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना होगा। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जल्दी से मेरे चैनल को इतना बड़ा कर देना। तो चलिए गाइस, अभी दिखाना स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। और पहले बता दूँ, ये कोई प्रोमोशन वीडियो नहीं है, इसमें सारा जो आइटम है मैंने अपने पैसे से परचेस किया है, तो मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है नोज स्ट्रिप का एक बॉक्स है, नाम मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। ये देखिए नोज स्ट्रिप का ऐसे देखने में रहता है, नोज स्ट्रिप का एक बॉक्स है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मेरे नोज़ में ना तो वाइट हेयर्स रहता है और ना ही ब्लैक हेयर्स रहते हैं, बट ये जो है ना, ये लगाने से, मतलब इसको लगा के रखने से मुझे ना मतलब अच्छा होता है, मतलब क्या बोलूँ, इसको लगा के रखने से ना मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे मतलब अच्छा लगता है। क्या है मुझे, मैं भूल गई हूँ क्या बोलूँ इसका प्रॉपर जो वर्ड है, क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, आ रहा है अभी इस मोमेंट पे। तो ये है नोज स्ट्रिप का बॉक्स, जबकि मेरे पास अभी भी 4-5 नोज स्ट्रिप का बॉक्स है, पर मैं ये ऑर्डर कर रही थी तो मैंने सोचा इसके साथ नोज स्ट्रिप भी ले लेते हैं, क्योंकि अलग से अगर मैं नोज स्ट्रिप ऑर्डर करूँगी तो इसका अलग से शिपिंग लग जाएगा और इसके साथ पूरा शिपिंग में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक ही बॉक्स लिया है, क्योंकि 4-5 बॉक्स अभी भी मेरे पास है। तो पहला गया नोज स्ट्रिप, बाद वाला जो है ये है एक सीरम, गोल्ड सीरम है। और ये जो है एक अच्छा इसका है, मतलब अच्छा ब्रांड का है, तो ये जा रहा है सीरम, गोल्ड सीरम है। और ये जो है लास्ट टाइम जब मैं परचेस की थी तो मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस करती हूँ, तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड को तो वो यूज़ करे, तो उनको यूज़ करके आई थिंक अच्छा लगा है। तो इस बार जब मैं प्रोडक्ट परचेस कर रही थी, जब मैं बुकिंग कर रही थी, तब उन्होंने मुझे बोला था कि ये वाला सीरम ऑर्डर कर देना, तो मैं ये वाला सीरम ऑर्डर कर दी थी उनके लिए। तो ये है वो सीरम, ये देखिए, और इसका जो बॉटल है काफ़ी बड़ा है, तो ये मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड का है, उनका ही यूज़ के लिए है, मेरे पास तो इतना है। ये देखिए पूरा गोल्ड पार्टिकल इसके अंदर रहता है ये सीरम, और आई थिंक अच्छा ही होगा, वरना मेरे हस्बैंड कभी नहीं बोलते कि मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो। तो ये हो गया सेकेंड आइटम, गोल्ड सीरम है ये, आई थिंक अच्छा है। और थर्ड वाला है ये पिलो ऑफ मास्क, एक आप लोग देखना, एक शॉर्ट्स में डाली थी ये पिलो ऑफ मास्क लगा के। नॉर्मली क्या होता है, चारकोल का जो पिलो ऑफ मास्क होता है, जो भी कई भी पिलो ऑफ मास्क जो होता है, स्किन में लगाने के बाद निकालना मतलब लिटरली इतना पेनफुल होता है, मतलब क्या बताओ। तो जब भी लगाते हैं मतलब आँख से पानी निकल जाता है लगाने में, जब भी लगा के मतलब निकालते हैं। तो ये वाला जो पिलो ऑफ मास्क है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मेरे पास ये वाला पिलो ऑफ मास्क अभी भी है, तो वो अभी जितना है मैंने सोचा प्रोडक्ट यूज़ मतलब अभी ऑर्डर कर रही हूँ तो और एक मंगा लेते हैं। तो ये वाला पिलो ऑफ मास्क मैंने ऑर्डर किया है, एंड मतलब क्या बोलूँ,
बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्लीन तो मतलब फेस को तो अच्छे से क्लीन करता ही है, एक ग्लो देता है और बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। मतलब विद इन 30 सेकेंड आप इसको निकाल सकते हो, ड्राई होने के बाद विद इन 30 सेकेंड ऐसे ऐसे करके निकल जाता है। तो ये पिलअप मास्क मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो इसीलिए मैंने और एक ऑर्डर कर लिया। तो ये है थर्ड है आई डोंट नो ये कैसा होगा। अमेजन में भी मैंने बहुत सारा कॉन्टर स्टिक मैंने देखा था और मुझे ना अच्छे से कॉन्टरिंग करना आता भी नहीं है, तो मैंने क्या किया, आप लोग जैसे देख सकते हैं मेरा जो गाल है एकदम गोल गप्पे जैसा है, मोतीचूर का लड्डू है, आप लोगों को दिख रहा है, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो अभी ये मोतीचूर का लड्डू बन चुका है, तो मैंने सोचा एक कॉन्ट्रोल स्टिक लेते हैं। अब ले तो लिया है मैंने, ये कॉन्ट्रोल स्टिक लिया है, अब कहाँ से खोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब दिख भी नहीं रहा है, तो कहाँ से खोलूँ, ये खुल नहीं रहा है। अगर खुलेगा ही नहीं तो मैं दिखाऊंगी कैसे, भगवान खुल जा भाई। चलिए खुला है फाइनली। तो ये मैंने लिया है एक कॉन्ट्रोल स्टिक, अभी भी नहीं खुल रहा है गाइस, फाइनली सक्सेसफुल। तो अभी ये खुल गया है, तो मैंने लिया है एक कॉन्ट्रोल स्टिक, मतलब इसको जब मैं यूज़ करूँगी पता नहीं अपने आप को जोकर बनाऊँगी क्या बनाऊँगी नहीं पता, थोड़ा सा यूज़ करके देखो। तो इस साइड भी इसका है आपका कॉन्टोर करने का, हाँ ये देखिए ये इतना निकलेगा, तो ये है कॉन्टोर स्टिक और इस साइड पे है आपका हाईलाइट। तो ये हो गया, अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कॉन्ट्रोल करके देखूँ कैसे करते हैं, यहाँ से कैसे करते हैं भैया, क्या सब कर रही हूँ, लाइव बोल रही हूँ, वीडियो बनाते ऐसे ही तो करते हैं, कैसे करते हैं ऐसे ही करते हैं। अब मैंने स्टिक के साथ कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, तो अब कैसा लगेगा पता नहीं, हाथ से ही ब्लेंड कर दो, अभी तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो गाइस थोड़ा सा पतला देखने के लिए मैंने ये कॉन्टोर स्टिक ऑर्डर किया है, अब इसको यूज़ कर करके मतलब हाथ को मेरा सेट करना होगा क्योंकि मुझे अभी आता नहीं है, स्टिक यूज़ नहीं करती हूँ मैं, कॉन्टोर पाउडर यूज़ करती हूँ। तो ये एक कॉन्टोर स्टिक गया, ये अमेज़न में भी आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन रहता है वहाँ पे, तो वो है। और मेरा ये क्या है, एक पाउडर ब्रश है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, एक पाउडर ब्रश मुझे लेना ही था, और ये है वो पाउडर ब्रश। क्वालिटी कैसा है नहीं पता, अभी खोल के देख रही हूँ क्वालिटी कैसा है, रुकिए। तो ये है पाउडर ब्रश, लग तो रहा है अच्छा है, ये है पाउडर ब्रश। तो मैंने एक पाउडर ब्रश लिया है, पता नहीं यूज़ करने के बाद कैसा फील होगा, यूज़ करने के बाद आप लोगों को बताऊँगी। तो ये पाउडर ब्रश, और क्या है, और मेरा मतलब शॉपिंग होगा और उसमें लिप बम नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है ना गाइज। तो मैंने लिया है दो दो लिप बम, लिप बम मेरा जान है, मतलब जहाँ पे मैं हूँ लिप बम वहाँ पे रहेगा, अभी जहाँ पे मैं बैठी हूँ जहाँ पे मैं सोती हूँ उस जगह पे तीन तीन लिप बम रखा हुआ है, मेरे हाथ में दो है, यहाँ पे बॉक्स में दो है, और जितना सारा बैग मैं यूज़ करती हूँ हर बैग के अंदर एक एक है। तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि लिप बम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कुछ रहे ना रहे हैंड क्रीम एंड लिप बम मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके बिना मतलब मेरा नहीं चलेगा, दिन नहीं चलेगा हैंड क्रीम एंड लिप बम के बिना, और एसी चलेगा तो और ज़्यादा गाइस। तो लिप बम मैंने दो ले लिया, और क्या हुआ पता है, जो कलर मेरे पास है मैंने बोला था ये कलर मत देना, दूसरा कलर मैंने बोला था वही कलर सेंड कर दिया, मैंने जो कलर बोला था वो कलर सेंड नहीं किया। अब मेरे पास ये कलर ऑलरेडी दो पीस है न्यू, मतलब मैंने खोला नहीं है, और दो दो भेज दिया, दो दो और भेज दिया भगवान। तो ये दो लिप बम, और है आपका एक बनाना पाउडर है, तो ये है एक बनाना पाउडर, जबकि मेरे पास एक बनाना पाउडर है ठीक है, और वो बनाना पाउडर जो है ये पर्दा का जैसे वाइट कलर है, वाइट कलर का बनाना पाउडर है, ऐसे चंकी पार्टिकल्स जैसा लगता है मुझे। तो मैंने ऑलरेडी उनको मेंशन कर दिया था कि भैया मुझे, भैया नहीं मतलब एक लड़की है, मैं बोल रही हूँ वैसे बातों में निकल जा रहा है मेरा, तो मैंने उनको ऑलरेडी बोल दिया था कि मुझे वाइट कलर का मत देना माँ, मैं मुझे स्किन कलर का ही देना। तो अभी का जो पाउडर है ये स्किन कलर का आया है,
लूज बनाना पाउडर है, हाँ लूज बनाना पाउडर है, तो इसको लगा के देखना होगा कि ये ब्रश के साथ कैसा काम करता है। लूज ये आप लोगों के सामने ही मैं खोल रही हूँ, लूज बनाना पाउडर है, इसमें पफ भी है, पफ है, वे बाप रे। देख रही हूँ अभी, चेक कर रही हूँ, जितना करना है मुझे अभी करना है। देखिए बनना ना, पार्सल पड़ा रहेगा तो पड़ा ही रहेगा, पड़ा रहेगा तो पड़ा ही रहेगा, वैसे ही थोड़ा सा लगा लेती हूँ। पाउडर तो मैंने लगा लिया, पर कॉन्टर जो मैं की थी वो किधर गया पता नहीं, कहाँ चला गया कॉन्टर, आप लोग ही बताना कॉन्टर जो मैं की थी अभी कहाँ गया, कॉन्टर गायब हो, गायब हो गया, ऐसा मैंने बनाना पाउडर लगाया। तो एक गया बनाना पाउडर, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी जो हम लोग पूरी गए थे तो हम लोग जो है मतलब काला भूत बन के आए थे, और अभी भी कैमरा में समझ में उतना नहीं आ रहा है, अभी भी हम लोग काला भूत जैसे ही हैं, काला ही है, कैमरा में नहीं समझ में आ रहा है, सामने लाइट भी चल रहा है, काला कलूटा बन के आए हैं पूरा, अभी भी ठीक नहीं हुआ है, मतलब स्किन कलर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने मामा अर्थ का, सॉरी मैंने अभी ये बोल दिया नाम तो बोल दिया, मामा अर्थ का उबटन सोप जो होता है उसको मैंने ऑर्डर किया है। तो ये देखिए मामा अर्थ का उबटन सोप है, तो मैंने तीन लिया है क्योंकि ये मैं यूज़ करूँगी, मेरा बेटा क्योंकि ऑलवेज बॉडी वॉश ही यूज़ करता है, मैं भी पहले बॉडी वॉश ही यूज़ करती थी, और अभी ये देखिए मामा अर्थ ऑर्डर की, क्या बोल रही हूँ, मामा अर्थ ऑर्डर किया है मैंने। तो ये तीन है उपटन, और एक है आपका क्या है चारकोल, चारकोल मैं रिस्क लेके नहीं ली क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ इतना गर्मी में गई स्किन कैसा ड्राई ड्राई हो जा रहा है, हाथ पैर सब ड्राई है, लिप्स ड्राई है, सब ड्राई है, तो चारकोल जो है और ड्राई कर देता है, तो कभी मैंने यूज़ नहीं किया है ये मामा अर्थ वाला सोप, तो मैंने सोचा चलो एक बार गिव इट अ ट्राई, तो एक ही मैंने इसीलिए चारकोल सोप लिया है, और काला कलूटा का जो टैन है वो रिमूव करने के लिए मैंने उपटन सोप लिया है। तो ये तीन तीन है उपटन सोप, एक है मेरा चारकोल सोप, तो चार सोप मैंने लिया है, और मैंने लिया है मेरे पास बीबी क्रीम का खजाना है, खजाना नायका का बीबी क्रीम है, पॉन्ड्स का बीबी क्रीम है, फिर आपका क्या बोलूँ नाम भूल गई है, अरे यार मेबलिन का है, बहुत सारा बीबी क्रीम है, और मैंने और एक बीबी क्रीम यहाँ पे ऑर्डर कर लिया, इसका नाम मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, तो मुझे मतलब होता है ना मेनिया होता है, मतलब शॉपिंग का मेनिया, कुछ खरीदना होगा तो खरीद लो, तो मैंने एक बीबी क्रीम लिया है, इसका मुझे नहीं पता टोन मैच करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो मैं अफ्रीकन बन के आई हूँ, जब भी हो गया है 15 दिन हम लोग आ चुके हैं, फिर भी स्किन मतलब एक्चुअली यही मेरा टोन है, ठीक है, बट अभी का जो मेरा स्किन का कंडीशन है पता नहीं टोन मैच करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको ब्लेंड करना होगा एक्चुअली। तो एक मैंने लिया है बीबी क्रीम, और ये बहुत ही मतलब लग्जोरियस वाला ये है, मतलब फील है, क्योंकि ये पूरा मैटी लुक में है, ब्लू कलर का है, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है इसका। तो ये है बीबी क्रीम, क्रीम मैं बोल रही हूँ क्रीम, ये देखिए बीबी क्रीम, बीबी क्रीम, ये बीबी क्रीम, और ये मैंने एक अच्छा सा ब्रांड का, जिसका मैं आप लोग पता है नाइट जेल यूज़ करती हूँ, जिस ब्रांड का अगर किसी को पता है, जिसके मैं दीवानी हूँ जो नाइट जेल का, उसी ब्रांड का ये है फेस वॉश। तो मैंने सोचा सब ले रही हूँ फेस वॉश क्यों मैं छोड़ूँ, वो भी एक ले लेती हूँ, तो मैंने लिया है एक फेस वॉश, और ये है आपका सेफ्रॉन पपाया ग्लो ब्राइट फेस वॉश। तो ये है एक फेस वॉश, जबकि मुझे लगा था बहुत छोटू सा होगा, नहीं गाइस बहुत ही डिसेंट मतलब साइज है इसका। और तो ये सब हो गया, ये सब हो गया, सब हो गया, और दो चीज़ें, एक मैंने लिया है पागलपंथी करने के लिए, इसको बोलते हैं गोट जेल, गोट जेल, आप बताइए गोट जेल क्या होता है, गोट मतलब गोट के मिल्क से बना हुआ जेल है ये, गोट मिल्क जेल, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गोट मिल्क जेल, ब्रांड का नाम मैं नहीं बता रही हूँ, और इसका क्वांटिटी देखिए गाइस ह्यूज क्वांटिटी है, और ये कैसा काम करेगा मुझे नहीं पता, बट तो
गाइस ये जो गोट जेल है मेरे हिसाब से ये वाइट कलर का होना चाहिए था क्योंकि ये मिल्क से बना हुआ है, बट ये वाटर कलर का है। मैं दिखा दी आपको, आई शो यू। ये देखिए ये वाटर कलर का है, एकदम आइस जैसा देखने में है, पूरा जेल है, मतलब कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है। और सबसे मज़े की बात है ये बोल रहा है कि ग्लो देगा, मतलब स्किन में ग्लो देगा, सन डैमेज से बचाएगा एंड आपका स्किन बूस्ट द मॉइस्चराइजिंग क्वालिटी ऑफ योर स्किन। ओ वॉट एवर, जो भी है, मतलब स्किन ग्लो बढ़ेगा, स्किन को आपका जो भी है वॉट एवर। तो ये गाइस मैंने लिया है, इतना बड़ा सा एक डब्बा है। इसका वेट कितना है? इसका वेट आई थिंक 400 ग्राम्स तो होगा ही मिनिमम। अरे यार क्या हो गया यार, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ 380 ml है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितना ह्यूज मतलब इसका साइज है। तो मैंने इसको लिया है और सबसे मज़े की बात आप लोगों को पता है, इसका प्राइस 200 रुपये भी नहीं है, 200 रुपये भी नहीं है। तो मैं ना थोड़ा सा सोच रही हूँ ये स्किन में अप्लाई करूँगी कैसा रिजल्ट होगा, कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट ना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा पता नहीं, बट मैं उस टाइम पे एक्साइटमेंट में मैंने परचेस कर लिया है, ऑर्डर भी कर दिया है। प्राइस 200 रुपये के नीचे है, तो इसका रिव्यू मैं मस्ट आप लोगों को दूंगी कि ये गोट जेल लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ गोट जेल। तो इसका रिव्यू मैं डेफिनेटली आप लोगों को दूंगी कि ये कैसा है, रिकमेंड करूंगी। और जब मैं ये अगर रिज़ल्ट अच्छा देगा तो डेफिनेटली इसका नाम भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। और ये जो लोग फेसबुक में लाइव करते हैं उन्हीं लोगों के पास मिलता है ये, किसी और मतलब साइट से, अमेजन से या फिर फ्लिपकार्ट से, इसका अपना वेबसाइट यहाँ से कहाँ से नहीं मिलेगा, सिर्फ जो लोग लाइव करते हैं उन्हीं के पास मिलेगा। और इसका जो ये देखने में भी, ये देखिए पूरा गोट प्रिंट में है, ऊपर इसे यहाँ पे गोट एक बना हुआ है, गोट जेल है। तो इसका ज़रूर मैं रिव्यू करूँगी, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी इसका नाम क्या है। अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि अभी मैं खुद पर एक्सपेरिमेंट कर लूँ पहले, उसके बाद बताऊँगी। तो ये एक है और उसी का सेम साइज़ का ये देखिए, सेम साइज़ का मैंने लिया है चारकोल का एक स्क्रब। तो ये मैंने बॉडी स्क्रब लिया है, इसका भी सेम साइज़ है, 380 ml है इसका साइज़। और ये है चारकोल स्क्रब, यस ये है चारकोल स्क्रब, ये देखिए कलर देख लीजिए। तो स्क्रब इसीलिए मैंने लिया है, ये बॉडी में यूज़ करने के लिए मैंने लिया है, स्पेशली फेस पे नहीं, फेस के लिए मेरा अलग है। तो ये मैंने लिया है, ये जो मतलब काला मतलब हम लोग बन के आए हैं, तो ये टैन रिमूव करने के लिए मैंने ये चारकोल का स्क्रब परचेस किया है। ये भी बहुत ही बड़ा साइज़ है, ह्यूज साइज़ है, और इसका नाम भी मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। आई थिंक दोनों सेम ब्रांड का है, ठीक है। तो इसको लेके उतना ज़्यादा रिस्क मुझे नहीं लग रहा है, बट ये जबकि मैं फेस में यूज़ कर रही हूँ तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ये कैसा रिजल्ट देगा, दाग वाग ना निकल जाए कुछ। तो ये बॉडी स्क्रब है, आई थिंक ये मतलब हो जाएगा, ओके होगा। तो बॉडी स्क्रब के लिए मैंने ये ऑर्डर किया है, और ये जेल तो डर के यूज़ करूँगी। तो ये हो गया, तो यही था मेरा प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है। और इतना सारा प्रोडक्ट परचेस करने के बाद मुझे क्या गिफ्ट मिला, मैं दिखाऊं। मुझे गिफ्ट में मिला है ये लिप लाइनर मिला है, एक लिपस्टिक भी मुझे नहीं थी इतना सारा प्रोडक्ट लेने के बाद। थोड़ा सा मरूनिश काइंड ऑफ कलर है, मरूनिश नहीं मरून कलर ही है, मरून कलर है, बट लिप लाइनर अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, सॉफ्ट है, यूज़ कर सकते हैं, बट मैं लिप लाइनर यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये मुझे मिला है लिप लाइनर। तो मैंने दिखा दिया सारा प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं पता होगा कैसा होगा, मैं ही यूज़ करूँ कि मुझे ही पता चलेगा कैसा है। तो यही है जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे वो इसमें हो रहा है, लिप बाम में ये वाले क्यों भेज दिया, सेम कलर का भेज दिया। तो सारा प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा है गाइस एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे यूट्यूब फैमिली को
जल्दी से बड़ा कर दीजिए गाइस, क्योंकि 3000 में जो गिव अवे है वो बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि मेरा 1800 ऑलमोस्ट हो गया है। अप एंड डाउन होता रहता है, कुछ लोगों का, कुछ लोग करते हैं सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो इसलिए इधर उधर हो जाता है थोड़ा बहुत, सबका होता है। मतलब ये जो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन लोगों का भी होता है, तो ये डजेंट मैटर। तो 1800 हो गया है ऑलमोस्ट, तो अभी थोड़ा थोड़ी दिन बाद ही 3000 हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बस एक्टिव रहिए, यही है। वीडियो को लाइक नहीं मतलब वीडियो को व्यूज़ दीजिए, तो जल्दी से मेरा 3000 हो जाएगा और 3000 का गिफ्ट मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, क्योंकि मैं पहले भी 1000 का भी सेंड कर चुकी हूँ, जो लोगों को मिला उन लोगों को पता होगा, 1000 वाले भी मैं सेंड की थी और ये वाला भी मैं ये मतलब दिखा चुकी हूँ क्या क्या मिलेगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो 3000 का गिव अवे का वीडियो का ये यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लेना क्या क्या है। और मेरे वीडियोस में एक्टिव रहना, एक्टिव मतलब ये नहीं वीडियो को नहीं देख के दी फर्स्ट रिप्लाई फर्स्ट कमेंट, ऐसा मत करना। व्यूज़ देना, मतलब वीडियो को काइंडली पूरा देखना माता जी, थोड़ा देखना प्लीज़। तो यही बोलना था, तो अभी मैं चलती हूँ, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा।